गुड मॉर्निंग एवरीवन, माय नेम इज़ विवेक प्रसाद समल। आई एम ए स्टूडेंट ऑफ क्लास 7B इन केंद्रीय विद्यालय बरगढ़। टॉपिक इज मोशन एंड टाइम ऑफ क्लास 7 साइंस। फर्स्ट वी हैव टू लर्न अबाउट व्हाट इज मोशन, नो अबाउट व्हाट इज मोशन। मोशन इज ए ऑब्जेक्ट मूव्स ए प्लेस टू प्लेस इज कॉल्ड मोशन बाई यूजिंग द एक्सटर्नल पावर इज कॉल्ड एज फोर्स। एक्सटर्नल एजेंट को लेके जब एक ऑब्जेक्ट एक जगह से दूसरी जगह ट्रैवल करता है उसको हम बोलते हैं मोशन। अगर किसी ऑब्जेक्ट में एनर्जी हम नहीं अप्लाई करेंगे तो अपनी जगह से वो हिलेगा भी नहीं। जब हम एनर्जी अप्लाई कर रहे हैं किसी एक ऑब्जेक्ट में तभी जाके वो बोला जाएगा। अगर वो ट्रैवल कर रहे हैं एक प्लेस से अनदर तक दूसरे प्लेस तक तो उसको हम बोलेंगे कि वो ऑब्जेक्ट अभी मोशन में है। तो अभी हम लोग देखते हैं मतलब डिफरेंट टाइप ऑफ मोशन में क्या आएगा। फर्स्ट आएगा स्ट्रेट लाइन मोशन, सर्कुलर मोशन, पीरियडिक मोशन, ओसिलेटरी मोशन एंड रोटेशनल मोशन, हाँ, और एक सर्कुलर मोशन। तो हम लोग इसके बारे में हम लोग अभी अच्छे से जानेंगे। फर्स्ट हम लोग करेंगे स्ट्रेट लाइन मोशन। तो स्ट्रेट लाइन मोशन एक मोशन है जो कि हम डेली लाइफ में यूज करते हैं। हम जैसे स्ट्रेट लाइन में चल रहे हैं आराम से, हम लोग मॉर्निंग वॉक कर रहे हैं और स्ट्रेट लाइन में हम कर रहे हैं तो उसको हम बोलेंगे स्ट्रेट लाइन। किसी भी चीज़ अगर हम लोग स्ट्रेट लाइन में कर रहे हैं उसको हम बोलेंगे स्ट्रेट लाइन मोशन। उसके बाद आता है हमारा सर्कुलर मोशन। सर्कुलर मोशन मतलब अपने ही ऑर्बिट पर घूमना। जैसे कि ये माइक ऐसे ऐसे घूम रहा है अभी, तो इसको हम बोलेंगे अपने ही ऑर्बिट पर घूम रहा है तो इसको हम बोलेंगे सर्कुलर मोशन। और एक सर्कुलर टाइप का होता है उसको बोलते हैं रोटेशनल मोशन। अगर ये एक ऑब्जेक्ट इसके चारों तरफ घूम रहा है किसी और के ऑर्बिट में तो उसको हम बोलेंगे रोटेशनल मोशन। ये इसका एक बहुत ही अच्छा एग्जांपल होता है। जब अर्थ अपने ऑर्बिट में घूमता है उसको बोलते हैं हम रोटेशनल, उसको बोलते हैं हम सर्कुलर मोशन। और जब अर्थ सन के ऑर्बिट में घूमता है उसको बोलते हैं हम लोग रोटेशनल मोशन। उसके बाद हम देखेंगे ऑसिलेटरी मोशन। ऑसिलेटरी मोशन एक ऐसा मोशन होता है कि जो कि टू एंड फ्रो मूवमेंट करता है, जैसे कि पेंडुलम जैसे आगे पीछे होता है उसको हम बोलते हैं टू एंड फ्रो मोशन, और उसको हम लोग बोलते हैं ऑसिलेटरी मोशन। ओके, तो उसके बाद हमारा मोशन आता है पीरियडिक मोशन। पीरियडिक मोशन एक ऐसा मोशन होता है जो कि एक फिक्स टाइम में होता है। जैसे कि मान लेते हैं, एक एग्जांपल लेते हैं, एक पेंडुलम को लग रहा है एक ओसिलेशन कंप्लीट करने में 1 सेकेंड। वो 1 सेकेंड में एक ओसिलेशन कंप्लीट कर रहा है वो पीरियड ऑफ टाइम में। जो मोशन काम करता है एक पर्टिकुलर पीरियड ऑफ टाइम में उसको हम बोलते हैं पीरियडिक मोशन। थैंक यू, दैट इज़ द टाइप्स ऑफ मोशन। थैंक यू।